प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य निलंबित, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामे को लेकर कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट का हा, असली शिवसेना किसकी अभी तय नहीं कर सकते, जल्दबाजी कर रहा चुनाव आयोग। सोलन में केजरीवाल और भगवंत मान की वर्चुअल रैली, आम आदमी पार्टी चीफ बोले हिमाचल में भी फ्री हो सकती बिजली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी का बयान, वर्तमान सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ के मढ़ियावा थाना क्षेत्र के आईएम चौराहे की है, जहां पर इंडियन ऑयल के टैंकरों से खुलेआम डीजल और पेट्रोल उतारा जाता है। वहीं इस मामले पर कमिश्नरेट पुलिस भी इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इन तेल माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक महिला के देवर ने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि देवर अपनी भाभी पर शक करता था कि वो कुछ अन्य लोगों से मिलती है। वहीं मृतका के परिवार का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके पैसे तो फर्जी 4 लाख रुपए मिले, ले ले और पैसे पैसे मांगो जा जी। बदतमीजी करते थे, ले जाऊंगी मैं फिर लिया जी, नम्मा करके लड़की और जी बार बार सास जेठ सास ससुर सारे देवर वेवर सब चिपके थे जी। उसके जेठ भी बदतमीजी करते, ससुर और देवर और जी रात में मैं खत्म नहीं करते। तो आप थाने में आए हो कंप्लेंट करने, तो पुलिस की तरफ से क्या मदद मिल रही है? अभी कुछ नहीं हो रहा है। थाना लोनी बॉर्डर के पंचवटी कॉलोनी में देर रात्रि एक हत्या होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पर जाने पर पता चला कि मृतका ट्विंकल की ट्विंकल पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके देवर अभिषेक के द्वारा हथौड़ा मार करके किया गया है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से आला कत्ल हथौड़ा की बरामदगी सुनिश्चित की और तुरंत ही टीम बना करके हत्याकारित करने वाले जो अभियुक्त अभिषेक है उसे अरेस्ट कर लिया। हरदोई हरपालपुर कटियारी क्षेत्र के किसान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या दूर न होने पर गांवों के किसान एकत्र होकर बिजली घर पलिया का घेराव किया और समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं उपखंड अधिकारी DN शर्मा ने बताया कि बिजली घर से गांवों की दूरी अधिक है, जिसके चलते लाइन पर लोड अधिक है। जब तक दूसरा बिजली घर नहीं बनता है तब तक लो वोल्टेज की समस्या बनी। हम लोगों की फसल जो पौधा है बिल्कुल सूख रही है, कुछ लोगों की सूख गई, कुछ लोग सूख रही है। किसान ने ऐसा कोई साथ किसान हो जिसने 10-5 बीघा भी समर सेवल से अपना धान लगा पाया हो, कोई भी किसान नहीं लगा पाया। रात रात दिन पूरा किसान जग जग के वहाँ समर सेवल पे बैठा रहता कि कब बत्ती आएगी, कब हम अपना मोटर चलाएंगे। लेकिन अगर आ भी जाती है 24 घंटे में, वो जिसका कोई शेड्यूल नहीं है 24 घंटे में किसी भी समय आ सकती है, पूरा पूरा दिन आदमी समय बर्बाद करता है। और रही बात उसकी क्या नाम वोल्टेज की, वोल्टेज इतना लो आता है जिससे मोटर चलता ही नहीं बिल्कुल।
प्रयागराज में श्रावण महीने के दूसरे सोमवार के साथ ही प्रदोष भी है। ये शिव भक्तों के लिए अच्छा संयोग है। ऐसे में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। वहीं मनकामेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी श्रीधरानंद जी ने बताया कि आज ही सोम प्रदोष है और सोम प्रदोष भगवान शंकर को अर्पित है। आज सोम प्रदोष के अद्भुत संयोग में प्रदोष काल में शिव पूजन और जलाभिषेक करने से मनुष्य के रोग ऋण मुक्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष भी है। सोम प्रदोष भगवान शंकर को अति प्रिय है। पहली बार चंद्रमा ने सोम प्रदोष किया था, इससे क्षय और कुष्ठ रोग का निवारण होता है और जो भी मनोकामना होती है वो आज के दिन निश्चित रूप से पूर्ण होती है। खबर आए बरेली से है, जहां अपने परिवार को छोड़ आम जनता की सुरक्षा में तैनात सलोन पुलिस का अलग ही रूप दिखाई दिया है और घूमेश्वर नाथ धाम से जलाभिषेक करके लौट रहे सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़ी भक्तों पर सीओ ने पुलिस टीम के साथ पुष्प वर्षा कर उन्हें जलपान कराया और पैदल यात्रा के दौरान जिन कांवड़िया श्रद्धालुओं को पांव में छाले निकले थे उनकी मरहम पट्टी कर कोतवाल संजय त्यागी ने उन पर पुष्प बरसाए। खबर आगरा से है, जहां मुस्लिम समाज के युवाओं ने गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का स्वागत किया और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की, जिसके बाद शिव भक्तों के बीच मुस्लिम युवाओं ने भोले बाबा के जयकारों के नारे भी लगाए और दर्शन कर लौट रहे कांवड़ियों को जल पिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर और उन्हें प्यासों को पानी पिलाकर आगरा से प्यार मोहब्बत अमन चैन का पैगाम दिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए शहर के अंदर रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य है आगरा से जहां ताजमहल है देश विशेष से सैलानी यहाँ आते हैं, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम पूरे विश्व में जाए कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो पैगाम दिया है पूरे संपूर्ण विश्व में गूंजना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक जो पैगाम आगरा से गया है, जो सुलह कुल की नगरी हमारी आगरा कहलाया जाता है, जो मोहब्बत की नगरी कहलाया जाता है, आज उसी को गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए मुसलमानों ने आज शिव भक्तों के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की है और यही जो है संदेश पूरे विश्व में जाता है, क्योंकि आगरा जो है एक मोहब्बत की नगरी है जहाँ ताजमहल बसता है और हमारा इस्लाम भी यही पैगाम देता है कि आपस में मोहब्बत बांटो और मोहब्बत से सब साथ में रहो। खबर बदायूं से है, जहां जनपद की डीएम और एसएसपी ने उच्च अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा के निकलने वाले रूट पर भ्रमण किया और कांवड़ियों को फल वितरित किए। वहीं इस दौरान लोगों ने कहा कि रोड पर जो कट बने हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। खबर बरेली से है, जहां अज्ञात वाहनों ने कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर एक कांवड़िए की मौत हो गई और 7 कांवड़िए घायल हो गए हैं, जिनको मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर डीएम और एसएसपी अस्पताल में मरीज का हाल जानने पहुंचे। ये सब मुरादाबाद से चले थे हम लोग, लगभग 3:30 बजे पौने 4 बजे जब पौने 4 बजे चले थे, तो मैं गाड़ी लेके आ गया था, ये लगा पीछे, तभी जी आते आते अभी तक 10 मिनट पहले मैं आधा घंटे पहले आया हूँ, लगभग मैं आके फटाफट रुक गया, मैं घर जाने लगा, रास्ते मेरे पास फोन आया कि गाड़ी एक्सीडेंट हो, तब मैं पहुँचा तो मेरी फाटक बंद निकली, फाटक बंद निकली, फाटक खुली, तब मैं पहुँचा, तब मैंने गिरीश को निकाला, वहाँ तो गाड़ी फंसे हुए थे। प्रातः 5:15 की ये घटना है, जिसमें जो वाहन आ रहा था उसके ड्राइवर जयपाल सिंह को नींद आ गई और जयपाल गुप्ता को, और उसकी वजह से ये घटना हुई। उसमें 6 लोग 7 लोग इंजर्ड हैं और एक की डेथ हो गई है, दिलीप गुप्ता एक्सपायर हो गए हैं। खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से ग्राम सुनासी के मल्लवा थाना स्थित बाबा सुनासीर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर परिसर में प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था को बारीकी से देखा। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर में साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।